चलो चलिए देखने की मना कर रहा है उधर से देखो देखिए पुलिस को करीबन 7:45 सुबह से ध्यान आया कि एक घटना किसी घर में कार्य हुई है, उसमें कुछ लोगों की बॉडीज पड़ी हुई हैं। तत्काल 15 से 20 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंची और सारे वरिष्ठ अधिकारियाँ भी यहाँ पर आ गए हैं। ध्यान में यह आया कि 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या की और 4 लोगों में 2 लेडीज हैं और 1 पुरुष और 1 छोटा बच्चा भी। तो ये तथ्य भी प्रकाश में आए, घर का सामान टूटा पड़ा है तो हो सकता है लूटपाट के बाद भी इस तरह की घटना घटी। क्या कोई मतलब लूटपाट है या कोई पुरानी रंजिश की वजह से? देखिए अभी तो प्राइम ऑफिसर पुलिस हर एंगल पर अपनी जाँच बिठाए हुए सारे एंगल हैं, उन पर सारी टीम हमारी काम करेंगी। लेकिन प्राइम ऑफिसर अभी जो बात यही है कि घर का सामान टूटा हुआ है तो लूटपाट की आशंका है। सर घर में सिर्फ 4 ही लोग थे कि और एक छोटी बच्ची भी थी? तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा? देखिए अभी बहुत सारे गैंग्स पकड़े गए इस एरिया में और काफ़ी सारी घटनाएं वर्कआउट भी हो गई, लेकिन ये घटना ऐसी है जो पुलिस के लिए भी चैलेंज है और सारी टीम्स जो हैं इसमें मिलके इसको वर्कआउट करेंगे। इस तरह का गैंग कोई इस एरिया में ऑपरेटिव है या काम कर रहा है तो उसका सलाखों के पीछे जाना बहुत आवश्यक है। सर लोगों का जैसे कहना है कि बगल में लिकर की दुकान और कुछ ऐसे नशा जो नशीले पदार्थ चीज़ें बिक रही, तो उसके लिए सर आप क्या कार्रवाई करेंगे? लोगों का ये भी तथ्य भी संज्ञान में लाया गया है कि बगल में शराब की दुकान है, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो संबंधित अथॉरिटी से टाइप करा के शुरू करें।